अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी है हुंडई की क्रेटा। कस्टमर को इसमें कंप्लेंट था कि क्लस्टर में हैंड ब्रेक लाइट नहीं आ रही है और सामने लाइट भी नहीं जल रही हैंड ब्रेक से। तो हमने देखा इसका है स्विच खोल के, इसमें फंगस है, पानी गया इसके अंदर, तो इसको हमने खोल दिया है, अभी नया डालना है। हालांकि हमारे पास एक स्पेयर रखा हुआ था तो कन्फर्म करने के लिए हमने इसमें फिक्स कर दिया हुआ है। ये देखें, यहाँ फिक्स कर दिया है ये, और इसमें ये स्क्रू वगैरह भी इसके टाइट कर दिए हैं दोनों, ठीक है। दूसरा यहाँ है, मतलब वहाँ, तो दोनों भी टाइट कर दिए। अब टाइट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि चेक कराते हैं, ठीक है, चेक करा देते हैं आपको हम। देखिए गाड़ी का स्विच अभी हमने चालू किया, ये चालू कर दिया, ये गाड़ी स्टार्ट कर दी। एक मिनट, क्लच दबाया, ये गाड़ी स्टार्ट कर दी, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई। हैंड ब्रेक की लाइट है अभी, ये चली गई, ठीक है। ये देखें, ये सामने जो लाइट आ रही है, हैंड ब्रेक नीचे करा, लाइट आ गई सामने वाली, हेडलाइट में जो लाइट आती है हैंड ब्रेक नीचे करने पर वो लाइट आ गई, और ये क्लस्टर से लाइट चली गई कि हैंड ब्रेक आपने नीचे कर दिया है, ठीक है। अभी इसको हैंड ब्रेक ऊपर किया अपन ने, ये सामने से लाइट चली गई, क्लस्टर में हैंड ब्रेक की लाइट आ गई, ठीक है। ये देखें, अब दूर से देखें, अभी हैंड ब्रेक की चली गई, हेडलाइट आ गई, हेडलाइट चली गई, हैंड ब्रेक आ गई, ठीक है। तो अभी इस गाड़ी में स्विच का कंप्लेंट है, ठीक है। पुराना स्विच इनका ये है जो कि अंदर पानी गया हुआ है, फंगस है, इसको अपन खोल के देखना है रिपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर रिपेयर नहीं हो सकता है तो अपन नया मंगवाएंगे, और रिपेयर हो सकता है तो अपन रिपेयर भी कर सकते हैं। हालांकि अपन रिपेयर करके चलाते नहीं हैं, नया ही डालते हैं, तो देखते हैं क्या इसका प्रोसेस है, ठीक है।